हमारे मायावती की सरकार चाहे भैया हम बिना मायावती के जी न पाऊ, कहे गए की मायावती में इज्जत बा। अच्छा हाँ, और ये मोदी सोदी में इज्जत ना हमें 5 किलो से जिये की बा। मशीन हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, मोदी हटाओ, बहन जी लाओ। दलाल है मोदी? हाँ दलाल है। दलाल है तब का दलाल है? कैसे दलाल? अरे ऐसा ही है ना, कैसे तो है बता। अरे मोदी तो चोर है, बताओ क्या दिए मोदी? मोदी चोर है, देते हैं हम लोग मायावती को वोट लेते हैं मोदी, वो चोर चोर तो है ही है। मायावती को वोट देव मुहठप्पा से जाइए हम देव ओथा से। हाँ, हाँ। मशीनी सोट ना देबू? नहीं मशीनी का दिक्कत बा। अरे मशीनी में दिक्कत, चोर है वो चोरा लेते हैं। क्या चोरा लेते हैं? मोदी मोदी जी अपने ऐसी तैसी मोदी सोदी ना जिता जाए और तो हम आई उनके ओर से चला जाए। बहन जी इज्जत दे ही हमारे सब कोथा बाढ़े, हम सब मोदी की नदी वोट। अच्छा मोदी कोर्स आई है का तू? ना हम क्यों कोरिस नहीं ना ही बोला तो ऐसा ही है सफला था। हाँ। बाबा साहब से मतलब है, बाबा साहब हम लोग को वही देवी है वही देवता है और हमारे सिवा इनके सिवा कोई है नहीं। लोकसभा चुनाव सर पर है और इस वक्त मेरी मौजूदगी है एक दलित बस्ती में। हमारे साथ तमाम दलित महिलाएं यानी दलित वर्ग के लोग हैं, लगातार मोदी का विरोध कर रहे हैं और मायावती के समर्थन में खड़े हैं। देखना यह होगा कि 2024 आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। जिस तरीके से इनका एक नारा है कि इस बार मोदी हटाओ और देश बचाओ, मोदी हटाओ मायावती लाओ, ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ, तो क्या बैलेट पेपर आने से मोदी जी सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे? तमाम सवालों पर इनसे बातचीत करेंगे और इन्हें इस सरकार से क्या क्या लाभ मिला है, तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर से धरना चालू होता है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ। क्या ईवीएम हटेगा बैलेट पेपर आएगा? देखना यह होगा कि इस बार आगामी चुनाव का दावेदार यानी प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। आइए बातचीत करते हैं और आपको भी ये वीडियो दिखाने का प्रयास करते हैं। दादी ये बताइए क्या नाम है? हमारा नाम सीता। मोदी सरकार से का का सुविधा मिला बा? का सुविधा मिला बा? खिला लच धरा कहा कुछ न मिला बा। हाँ। मायावती रहा हमारे सबका ढेर सुविधा रहा। हाँ हाँ, अब मायावती को वोट देव मुहठप्पा से जाइए हम देव ओथा से। हाँ हाँ, मशीनी सोट न देबू? नहीं मशीनी का दिक्कत बा। अरे मशीनी में दिक्कत, चोर है वो चोरा लेते हैं। क्या चोरा लेते हैं? मोदी हाँ। का जाने का कहीं नहीं आवाता है, मायावती हमार आगे न जा पावाता है। हाँ। तब का उनके आगे गए से हमें सबको फायदा बा। अच्छा तब का तो मोदी के देश फायदा ना आएगा? नहीं मोदी कुल सुविधा देते हैं, राशन वासन देते हैं ना? का दे ही लालत धराए हैं नखी ओता सारी जनता का सुधार करत रही मायावती। तब का मायावती शासन कैसन रहा? शासन बहुत कष्ट रहा, जे आवत रहन हे रे हार रे करत रहन उनाई कह पावत रहन। हाँ मोदी मोदी जी के शासन में? अरे उनके तो कहता है लूट लिया दिन दोपहर आई। हाँ तब का दिन दोपहर लूट लिया मार ना आवत है काट ना आवत है। हाँ अब मायावती के शासन रहे केव ना चू से ठाकुर ब्राह्मण केव ना कह पावत रहन। हाँ मोदी जी तमाम सुविधा देते हैं, राशन देते हैं, तोरे यहाँ नल जल वाला योजना लगत बाटे। सुना पहले दीदी लगत मोदी कोरी के ना हुआ का मोदी कोरी की हो को और को हो आई की हो को और को जवन हमें कहा कि तवन हम कहा था है। हाँ का कहा था वो? मोदी जी को तो हूँ है ना, मोदी जी कोरी ना है हमें सब के दिखाओ। बोलत का है तब इतना मोदी जी कोरी? अरे मोदी जी सुविधा देते हैं, तमाम सुविधा देते हैं ना, सुविधा देते हैं मोदी। अरे राशन पानी मिला था, घर द्वार मिला बा? कुछ ना मिला बा, कुछ ना मिला बा। राशन तो पावत हो ना? हाँ राशन सबके मिला था, मऊ सबन के मिला था, लेकिन कोनो लाभ ना आई बा। लाभ ना आई बा? कोनो लाभ ना। ज्यादा के वोट देबू? मायावती के। मायावती के? मायावती यही का कुछ ज्यादा नहीं का? नहीं मायावती दे ज्यादा दे चाहे कम दे, मां सम्मान की इज्जत दे ही, मां सम्मान दे ही। अच्छा मोदी सरकार में सम्मान नहीं मिल रहा है महिलाओं को? नहीं कुछ नहीं मिलता है। हाँ। बहुत शासन करत है मोदी, बहुत शासन कर रहे हैं, करत है ये है। मतलब का शासन? जैसे मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां पढ़ रही है? का पढ़ा था कुछ ना पढ़ा था, बिस्कुल है उतना बंद कहे रहन, तब मना आगे लड़कियन आगे कैसे जाये, थोड़ा दूरिया चालू किए रहन फिर बंद के दिन फिर चालू, का मतलब ऐसे ऐसे बंद कही रहा ऐसे बढ़िया, ऐसे मायावती सबसे बढ़िया है। इतना कोरोना फैला देश से परदेश में नहीं भाग भाग घरे चला आये, डगर में कोनो मर गए कोनो जी गए कोनो ऐसे ऐसे खड़े कैसे घरे पहुँचन है। दादी बतावा मोदी मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, का जोन बाटे सबके विकास होत बा? नहीं होत बा। हाँ अरे भैया अपना ही लड़का, हाँ अपना ही लड़का ना मनाई छुई के जात रहा।
के छुआ जीन इतना फैलाए रहे हैं मोदी फैला रहे बीमारी रही ना मोदी अरे का बीमारी रहे फैलाए रहे वही उन्हें फैलावा कुल रहा उन्हें फैलावा रहा देश भर देश खेते मोला रहा है गर्म पानी से नहावा तब जाए घरे मेरे बापा हाँ तनी दूरी रहा लम्बा से टाठी में खाना दे ऐसे कभी भर है मायावती के राज में कभी भर है कभी नहीं भर है मायावती कोट देबू मारन गिन्हो आई दे तब का हाँ मायावती कोट देव ठप्पा फ देव ठप्पा सोट देव हाँ अच्छा हाँ तो मायावती प्रधानमंत्री बनाऊबू हाँ बिल्कुल अच्छा तब का चलिए और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं ये बताओ दादी यहाँ केकर सरकार तो है चाहे हमारे मायावती सरकार चाहे भैया हम बिना मायावती जी न पाऊ कहेगा एक मायावती में इज्जत ब्या अच्छा हाँ और ये मोदी सोदी में इज्जत ना है ना नहीं हमें 5 किलो से जिये की बा हाँ। अपने बले जिये की बा हमारे जब मायावती रही हमें स्वयं बल बहुत बा हाँ। ये कहा कि चली चोरन के वोट दे तो उसे हमारा गुजारा ना है हमें मोहर ठप्पा चाहे तब वोट दे नहीं तो वोट न दे अच्छा हाँ मोहर ठप्पा सोट दे हाँ मोहर मायावती कोट दे मायावती कोट मोदी इतना कुल सुविधा देते हैं कहीं को उनका विरोध कर घरे धरे रहे कौन सुविधा हमारे घरे आई बा उनके कहे से आई बा कुछ नहीं है आई बैठे हर घरे राशन देते हैं पानी देते हैं घर देते हैं जब से तो मोदी बैठा बा 10 साल से राशन कट गया बैठे वो राशन 5 किलो ना मिलता तब वो का दे हमार मायावती रही खुले खुले मोदी सरकार में बहन बिटिया सुरक्षित तो है ना अरे कुछ नहीं है पढ़ाई लिखाई कुल बंद हो जात बा का सुरक्षित उनमें है कुछ नहीं अपने बल से पढ़ाए मायावती हमारे पढ़ावे दे दे जौन मिलत रहा वो गायब तो बहन जी प्रधानमंत्री बने के दावेदार हैं हाँ, हाँ। बहन जी न बने ही तब के बने मोदी अब मोदी चला जाए देश से हाँ, हाँ जूता चप्पल ढोवे सबके अच्छा तब का करें मोदी जी कहते हैं कि एक बार और जितावा है काम बढ़िया करें मोदी जी अपने ऐसी तैसी मोदी सोदी की न जिता जाए और तो हम आए उनके ओर से चला जाए ना है हम दादी हम तो केहू को ना है ना केहू को है तो कायदे से हमारे मोहर ठप्पा लेके आवा तब वोट दे अच्छा मोहर ठप्पा सोट हाँ मोहर ठप्पा सोट हाँ अब मोदी कोट दे मोदी कोट दे भाई मायावती दे भाई आई है मोदी के लेके मोदी बहुत दुला रहता है तू तो है कहा था मोदी कोट दे मोदी हम वोट का फोन दे हम अपने मायावती कोट दे भाई मायावती समय मान सम्मान मिला तो इज्जत मिला था वो तो भैया बड़े के लगे जाते हैं छोटके के नाम लेते हैं अच्छा ये बताइए जैसे जो छुआ छूत वाला पहले चलता था ठाकुर बाभन आप लोगों में करते थे दलित समाज में आज भी चला था हाँ वह आ जाओ चला था हाँ। तब का दूसरा चल रहा मायावती रहे सबके इकट्ठा करते रहे और बाबा साहेब रहे वो भी सबके इकट्ठा किए रहे वहाँ चाल पर मायावती चले अब मोदी तो चौधरी हो गए मोदी से कौन इज्जत बना है ना हम कुछ करम मोदी की हाँ, मोदी कोट न दे वोट न दे मोदी की अच्छा हाँ। चलिए फिलहाल अभी आपको बता दूं ये दलित वर्ग के लोग हैं लगातार मोदी का विरोध कर रहे हैं और इस बार मोदी को हटाने की भी बात कर रहे हैं कि मोदी यहाँ से चले जाए वो सत्ता के काबिल नहीं है और वो सत्ता में बैठने के भी काबिल नहीं है मायावती पीएम की हकदार बनेंगी और पीएम के सीट पर बैठेंगी और बरकरार भी रहेंगी फिर देखना ये होगा कि आगामी चुनाव का दावेदार कौन होता है तमाम महिलाएं अपनी अपनी प्रतिक्रिया अपनी अपनी राय अपने अपने विचारों को रख हैं पर वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट में साझा करके जरूर बताइएगा कि ये सत्य कह रही हैं या सत्य कह रही हैं ये बताइए दादी हाँ। आपके काका सुविधा मिला बा कुछ नहीं मिला भैया हाँ। कुछ सुविधा ना मिला कुछ ना सुविधा मिला हाँ। हाँ। तो के वोट देबू मायावती के देव मायावती के देबू हाँ। अच्छा मायावती में ऐसा का चीज बाटे जो मोदी मायने बहन जी इज्जत दे ही हमार सब कोथा बाढ़े हम सब मोदी के ना देबू अच्छा मोदी कोर्स आई है का तू ना हम क्यों कोरिस ना ना ही बोला तो ऐसा ही असफला था हाँ। ना मोदी कोरिस ना है ऐसे आप ये कहें मोदी तो कुल सुविधा देते हैं ना आप सबको ना कुछ ना सुविधा वो अपन धरे रहे सुविधा कौन सुविधा कौन कॉलोनी कौन का बनवा दिए हैं हम सब मड़ई कुरिये में था ये देखा मोदी जी कहते हैं इस बार सबका घर पक्का हो जाएगा आपका घर पक्का कुछ ना हो दलाल है मोदी दलाल है मोदी दलाल है तब का दलाल मोदी कैसे दलाल अरे ऐसा ही है ना कैसे तुम्हें बताई मोहेश कहा था कैसे दलाल मोहेश कहा था दलाल है वो कुछ नहीं बना हम मोदी जी कह रहे हैं एक बार और जिताइए आप लोगों के लिए अच्छा काम जिता जाए हा? अरे अब की जिता जाए तो हमारे सब जाना कुर्सोर सा ऊपर जाए अच्छा हाँ अब हम सब वोट न देव वोट न देबू अच्छा ये बताबा थाने उन्हें जातु सुनवाई उनवाई होता है कुछ नहीं कुछ ना होता है कुछ नहीं कहा दुर्गा पुलिस सुना था केहू कब पहले सुनत रहन मायावती नहीं सुनत रहन सबके गरीब सब सुनत रहन है
तब। अच्छा, तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है तमाम दलितों का वोट हमको मिलेगा। अखिलेश यादव उधर दावा कर रहे हैं, एक एनडीए इंडिया करके एक गठबंधन बना है, वो दावा कर रहे हैं कि हमको मिलेगा, तक उन्हें सब देबू? नहीं, मायावती छोड़ के हुक ना देब हम सब, नहीं, खाली मायावती। हाँ, मायावती के ये बताइए का नाम है? आशा देवी। इस बार किसकी सरकार? हम वोट देबे है मायावती के। मायावती के देबू? तो मायावती के वोट देहे से तुहार समस्या दूर हो जाए? हाँ, समस्या हमार दूर हो जाए। तो मोदी जी ना दूर करते हैं? ना ही मोदी जी कुछ ना करते हैं। का करते हैं? घर दुआर गिरत बहरात बहाई एक दिए थे मोदी। हाँ, मायावती हमार रही तो दे ही। मायावती दे ही? हाँ। तो मायावती को? हाँ, मायावती। तो कैसे वोट देबू? बैलेट पेपर से? केवीएम मोहर ठप्पा से देबे। मोहर ठप्पा से? हाँ। मशीनी से का दिक्कत? मशीनी से हम देबे नहीं करब। हाँ, मशीनी से मोदी चोराई लेते हैं। हाँ, मशीनी चोराई लेते हैं? हाँ। तो कैसे उतर तू बटन दबाओ तू ना? तब वो चाल कह देते हैं ना, वो चाल कह चोराई लेते हैं। तो हम सब देबे मोहर ठप्पा से। मोहर ठप्पा से? हाँ। ये बताइए क्या नाम है आपका? हीरावती। मोदी की सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? कुछ नहीं। कुछ नहीं, नहीं। मतलब क्या दिक्कतें हैं? सब कुछ व्यवस्था दे रहे हैं ना? बहुत दिक्कत बा। दिक्कत मतलब कुछ तो बताइएगा कि आपको मकान नहीं मिला है, उज्ज्वला वाला योजना नहीं मिला, गैस सिलेंडर नहीं मिला? कुछ नहीं मिला बा। कुछ नहीं मिला है? इस गाँव में पूरा गाँव खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई सुविधा आता ही नहीं है। तो इस बार किसको वोट देंगे? मायावती के। मायावती के? तो मोदी जी कह रहे हैं कि बात जुटाइए और आप लोग जहाँ नहीं पहुँचा है वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। जोन बची वो बेचो ही का आवे मोदी वोट दे दिए हैं, उन्हें वोट ना दिया भैया, हम सब मोहर ठप्पा से मायावती दे। मायावती दे? हाँ। मोदी जी सुविधा नहीं मिल पा रहा है ना? कुछ नहीं मिला। अच्छा बताइए, मोदी की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं है? फैलाए दी है, कमाई खाई नहीं पावता है, लड़कियों पढ़ाई कितना नुकसान हो गया, जोन बाटे कितना हानि भाई तो हम सब जानते ही ना मोदी के राज में, उनका जोन बटे की हम सब वोट नहीं ना दे। मोदी कोट न देबू? नहीं। तब मायावती कोट देबू? हाँ। मायावती आए से तो हर सब समस्या दूर हो जाए? हाँ, समस्या दूर हो जाए। अच्छा बता, मोदी के राज में बहन बिटिया कैसे है? बहुत बेकार बहन बिटिया, मार ही ना होता है, काट ना होता है, कुल करते हैं, कौन सुनवाई नहीं ना, कुछ नहीं भैया उनके राज में सुनवाई बटे, कौन सुनवाई? कुछ नहीं, थाना अदालत जाऊ क्यों नहीं सुनता है? उठना दे, ये सुरक्षा व्यवस्था नहीं सही है? नहीं, नहीं सही है। क्या कह रहे हैं? थाना अदालत के कुछ ना सुनता, हमारा आदमी विकलांग रहा, विकलांग है ना, जब हम मायावती के राज रहे तब हर विकलांग आवत रहा, जब हर मोदी खो गया तब हर विकलांग का बंद हो गया। हाँ, विकलांग पेंसिल वेंसिल कुछ ना देते हैं, कब देते हैं मोदी जन वही ललचे चली मोदी के वोट दे, मोदी को वोट वोट कुछ ना देवाए भैया, जो दुख हो दुखिया बा, जो गरीब गरीब बा, सबको सुनना चाहत रहा, लेकिन मोदी कुछ ना सुनते, न जो विकलांग बा हुक ना, जो विधवा बा हुक ना ही की हुक ना सुनते। ये बताओ दादी, तो है पेंशन उन्सन बना बतो? हाँ भैया, के बनवावे पेंशन? हाँ, के बनवावे पेंशन? मोदी जी कहा थे सबके मिले पैसा। अरे मोदी जी कहा तो मोदी को उल्टिया नहीं दे भाई हम। हाँ, तब का मोदी न देबू? मायावती के राज में लड़की कुल पढ़ाए लिखाए जवान रहा है, अपन उनके देबे की ही लड़की के शादी ब्याह है के ओ का दे। अच्छा ये बतावे, मायावती के राज में कैसा था? हाँ, मायावती के राज, मायावती के राज में कुली के परेशानी ना आई रही, लड़की जहाँ निकले जहाँ डोले जहाँ आवे कौन दिक्कत ना आई, अब तो लड़की डोले में पड़े लगे मोदी के राज में। हाँ, तब ओके का वोट दे भाई? ओके वोट ना दे भैया, बहन जी कोट दे? हाँ, बहन जी कोट दे बा। हाँ, मोहर ठप्पा से दे वोट? मोहर ठप्पा से दे? हाँ, मशीनी से दे ना, का दिक्कत बा? मशीनी से ना दे। हाँ, अब अपने मोहर ठप्पा जब दे ही वही से वोट दे। अब तू बुढ़ी हो गई हो, तू मशीनी से देबू ज्यादा बढ़िया रहे? नहीं नहीं, उनका देख ले कायदा वोट दे है मशीने से, एक कुल तो वही का जाते है, कलाकारी के है तो अपन अपन का करिए, उठवर रहे तो अपन लगा के मोहर ठप्पा देबो की मायावती की? मायावती? हाँ मायावती। मायावती? हाँ भैया मायावती। मायावती? हाँ मायावती। मायावती? हाँ मायावती। मायावती? हाँ भाई। मायावती दादी? हाँ भैया, मायावती को वोट दे भाई। चलिए, मिलत रहा लाभ, अब कौन लाभ मिलत बाटे, लड़कियन के पढ़ाई लिखाई के साइकिल मिलत रहे, कुछ मिलत बाटे, लड़कियन के तो ना लैपटॉप मिलत रहा पढ़ाई लिखाई में, अब तो एकदम साफ। अब मोदी आ गया एकदम अपन चेहरा दिखावत है बस, और कुछ दिखाते नहीं मिल रहा, सुविधा नहीं भैया, कुछ सुविधा नहीं। चलिए फिलहाल अभी आपको बता दूं कि दलित वर्ग के यानी महिलाएं हैं लगातार मोदी का विरोध कर रही हैं, और अभी यहां पे कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, आखिर क्या कहते हैं, लोकसभा चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं, जिस तरीके से
मोदी जी का एक दावा है कि वे सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान। क्या सबको सम्मान मिल रहा है, सबका साथ मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है? तमाम मुद्दों पर आखिर इनसे बातचीत करेंगे। आखिर ये किस नजरिए से देखते हैं लोकसभा चुनाव को? ये मोदी की सरकार है, सत्ता चल रही है, दो दो पंचवर्षीय से लगातार 10 साल में सत्ता में है। क्या क्या सुविधाएं मिला है आप लोगों को? हमको कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। हाँ, तो क्या करेंगे इस बार, किसकी सरकार? अब हमारी बहन जी की सरकार रहेगी। बहन जी की सरकार? हाँ। तो बहन जी की सरकार से संतुष्ट हैं आप? हाँ, हाँ, संतुष्ट हैं। एक इंडिया गठबंधन करके पार्टी है और एक अखिलेश यादव जी लगातार दावा कर रहे हैं कि भैया इस बार सारा वोट हमको मिलने वाला है दलितों का, तो क्या कहेंगे फिर? अरे फिर नहीं, वो सब भले कुछ भी कहें, बाकी मिलेगी वोट बहन जी को। जो बहन जी कोट देंगे? हाँ, हाँ। तो बहन जी के आने से सारी समस्याएं दूर होंगी? हाँ, हाँ, दूर हो जाएगी। वही बहन जी तो हमारी लोग के जो है देख रेख कर रही है, तो वो हम अखिलेश और दूसरे के देंगे वोट जो। हाँ, तो इस बार ईवीएम से देंगे कैसे देंगे? बैलेट पेपर? बैलेट पेपर, बैलेट पेपर से वोट देंगे। मशीन से क्या दिक्कत है दादा? मशीन से दबाओ, काम हो गया? अरे बटन दबाओ, इधर तो जाती है उधर तो क्या, उसमें उससे हमको नहीं देना है। मतलब किधर कैसे दबाते हैं, कहाँ? अरे जो अब बटन दबाते हैं, जैसे लगी है बटन, जो हाथी के जहाँ निशान है हम लगाते हैं, वो उस पर बटन दबाते हैं तो जाता है दूसरे पर, जो उन कमल पे जाता है। वोट तो हमारी चली जा रही है वहाँ, तो हम कैसे क्या करें जो। अच्छा ये बताइए, ये तमाम धरना चल रहा है आज दिल्ली के जंतर मंतर से चालू होता है, हाई कोर्ट यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब देखने को मिल रहा है, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। बैलेट पेपर से संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, बैलेट पेपर से हम लोग संतुष्ट हैं। मायावती बहन जी की सरकार बनाएंगे? हाँ, बहन जी की सरकार बनेगी। हाँ, सरकार बना कर छोड़ेंगे? हाँ। तो बहन जी क्या सत्ता में बैठने काबिल है? हाँ, सत्ता में बैठेगी तो बहन जी बैठेगी, और कौन बैठने वाला है? और कोई हकदार नहीं? नहीं है। चलिए फिलहाल अभी और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आखिर ये जैसे कि ये कह रहे हैं कि इस बार बहन जी की सरकार, तो बहन जी क्या सचमुच में बहन जी की सरकार होनी चाहिए या नहीं, ये बताइए। क्या नाम है? रमा शंकर। किसकी सरकार इस बार बनाएंगे आप लोग? मायावती। मायावती? हाँ, बहन जी। क्या ऐसा है जो मोदी जी में नहीं है? बहन जी आप लोग लगातार कर अरे मोदी चोर हैं। बताओ क्या दिए मोदी? मोदी चोर हैं, देते हैं हम लोग मायावती को वोट लेते हैं मोदी, वो चोर चोर तो है ही है। क्या दिए हैं? कुछ दिए हैं अभी तक? मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं दिए और खुद ही चोर हैं। वो अपना बना लें तो हमें क्या बनाएंगे? मोदी चोर हैं? अरे चोर हैं, उनका दादा इतनी जमीनिया और पैसा दे रहे हैं, जो दौड़ दौड़ विदेश जाते हैं, कहाँ देते हैं? वो हमारे खुनवा चूस के ले जाता है, और कहाँ से ले जाता है? जब सुना तब जाता है विदेश, जब सुना तब विदेश। उनका दादा भेजता है पैसा, के भेजता? हमारे से लेता है ना, हमारे खुनवा चूसता है गरीबों का, तो महंगाई बढ़ाए की। तो गरीबों का विकास तो कर रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, नल जल योजना है। बताओ कि 5 किलो राशन महीने भर खाए ले गरीब? यहाँ इतना साण बरसा छोड़ दे हैं कि खाए बजे किसान मरा जाता है। तो चोर ना है, का ये साफ है, ये पक्का एकदम चोर हैं। इनके हटाओ, मायावती लावा, बस मोदी हटाओ, मायावती लाओ, हमारा सबके यही नारा है। अच्छा, ईवीएम मशीन हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, मोदी हटाओ, बहन जी को लाओ। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, बहन जी को लाओ, मोदी को हटाओ। हाँ। क्या कहेंगे? मोदी का विरोध कर रहे हैं सब लोग? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ। हाँ। क्या सही कह रहे हैं? कैसे सुविधा नहीं मिल पा रहा है? कुछ नहीं सुविधा मिल रहा। इस सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं, कोई नहीं संतुष्ट है। दो दो पंचवर्षीय से मोदी जी सत्ता में हैं, सीट पर बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस बार? मोदी जी क्या झोला उठा लेंगे? हाँ, मोदी इस बार उठा लेंगे। इस बार उनको हटा देंगे? इस बार हट जाएगा। किसकी सरकार बनाएंगे? मायावती की। बहन जी की? बहन जी की। बहन जी की सत्ता में आने से सारी संकटे मुश्किलें दूर हो जाएंगे? हमारी सुनवाई, हमारे सब लोगों को गरीबों की सुनवाई होगा। थाने सुनाई होता ना, जिला सुनाई होता ना, बैलेट पेपर देंगे? हाँ, बैलेट पेपर से। ईवीएम में क्या दिक्कत है? ईवीएम में दबाव इस पे पड़ता है दूसरी जगह। अच्छा, नाधली होता है। ईवीएम कैप्चरिंग कर लेते हैं, तमाम तरीके का आप लोगों को दिक्कत होता है। चलिए ये बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिलाल। क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? बहन जी की सरकार बनना चाहिए, और मोदी को हटाओ,
हाँ, और बैलेट पेपर हटा के और ठप्पा मोहर से वोट दे जाए हाँ, और इनके हटा के बहन जी के लाओ हाँ, इसी में आदमी के कुछ गलीमत रहेगी, नहीं तो उसके बाद में कोई गलीमत नहीं है। अब दुनिया तानाशाही चल रही है, थाना पुलिस में कोई सुनवाई नहीं, और रास्ता और सड़क पर जा रहे हैं आदमी, काट मार ना रहे हैं, कोनो सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत बड़ी तकलीफ है। खाली बहन जी हम लोग को चाहिए, खाली बहन जी हाँ, खाली बहन जी चाहिए, उनको हटा के बहन जी खिलाओ। हाँ, क्या बहन जी के शासन काल में ऐसा कुछ नहीं होता था, जो गुंडे है माफिया है ये लोग है? कुछ नहीं, सबको बड़े बड़े माफिया को बहन जी का कहिया था, अरेस्ट करके बंद करा दिए, उनका जमानत नहीं हुआ। हाँ, आज भी अगर बहन जी होती तो देश में का कहते और कतौ कुछ अत्याचार नहीं होता। हाँ, खाली हमको उन्हीं चाहिए और दूसरा कोई नहीं चाहिए, दूसरा कोई नहीं नहीं, खाली बहन जी चाहिए। वो उनको सीएम बनाओ, हम लोग बनाएंगे, उसके बाद में वही दावेदार हैं, और मोदी जाए गुजरात। हाँ, मोदी जाए गुजरात। हाँ, गुजरात जाए, चाय साहब बेचे चाहे जमन कुछ बेचे, उसके हम लोग जिम्मेदार नहीं है, मगर हम लोग जिम्मेदार हैं बहन जी से। हाँ, उससे संतुष्ट हैं। हाँ, हाँ एकदम। ये बताइए, इतना बड़ा मुद्दा राम मंदिर था, राम मंदिर खत्म करवा दिए, मुद्दा राम मंदिर बनवा दिए हैं, तमाम सुविधाएं कर रहे हैं। अरे राम मंदिर बनवा दिए तो राम मंदिर में क्या हो रहा है, वो हम लोग से क्या मतलब है? हमको तो खाली का कहते बाबा साहेब से मतलब है। बाबा साहेब हम लोग को वही देवी है, वही देवता है, और हमारे सिवा इनके सिवा कोई है नहीं। हाँ, बाबा साहेब ये बताइए, क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान था उसका हनन हो रहा है? बिल्कुल हनन हो रहा है। उनका का कहिए था कि और कहीं कर रहा है, और लखनऊ में का कहिए था कि वो बनवा दिए पार्क, का कहिए था कि उसके लिए सब विरोध किए, करे वो तो बहुत पैसा ले गई, वहाँ हाथी बनवा दी, हाँ ये कर दी वो कर दी, और ये इनका ये वहाँ अयोध्या में मंदिर बनवा दिए, इनका बहुत हो गया, उनका कुछ भी नहीं हुआ। आखिर वो भी तो जनता को जनता लिए बनवाई थी, अपने लिए नहीं बनवाई थी बहन जी, अकेले के लिए बनवाई नहीं है ना, पूरे देश के लिए बनवाई है वो हाथी पार्क। तो का उसका क्यों विरोध, ये लोग विरोध किए, कहे कह रहे बहन जी सारा पैसा दिल्ली का ले गई उसी में डाल दी, और ये सब कहीं कुछ सब कुछ बनवा ले हैं, स्टेशन बेड डालते हैं, पावर हाउस बेड डाले, और सब पूरा देश है सब बेड डाल रहे हैं, इनका कोई इंक्वायरी नहीं है। खाली बहन जी के लिए का कहिए था कि वो बनवा दिए ये बनवा दिए, हम लोग को कुछ भी नहीं, ईडीएम मशीन हटा के बैलेट पेपर लाओ, बहन जी को सरकार बनाओ, हमको यही चाहिए, बस यही चाहिए। हाँ, तो ये बताइए, राम मंदिर बनने से आप लोग खुश नहीं हैं? अरे उससे खुश क्या है हमको, हमसे उससे क्या मतलब है, हम लोग खाली का कहे बाबा साहेब से मतलब है, बाबा साहेब हमारा मंदिर है, वो देवी देवता है। हाँ, उन्हीं हैं बाबा साहेब का संविधान। हाँ, चलिए फिलहाल अभी आपको बता दूं, ये लगातार मोदी का विरोध कर रहे हैं, शायद मोदी जी सत्ता में इस बार ना रहे, जिस तरीके से इनका एक नारा है कि मोदी हटाओ मायावती को लाओ, अब मायावती सत्ता में आएंगी या नहीं आएंगी यभी ये लोग तय करेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता का मत जो है वो बहुत मायने रखता है। ये बताइए, का नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। ये बताइए, इस बार किसकी सरकार? अरे मोदी तो देश बेच रहे हैं, देश बेच रहे हैं, वो 5 किलो देकर यही लालच दिखाकर बेच रहे हैं, कितना बेच दिया। अब गरीबन का तो कहीं सुनाई ना होगा, सब बड़े बड़े सुनाई होए, खत्म जाबा, एक प्रधान के लगे जाबा वो नहीं सुन रहा है, और पुलिस दरोगा तो बड़े लम्बा है। तो इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? मायावती सरकार चाहिए, और मोहर ठप्पा से चाहिए, मोहर ठप्पा। मशीनी से क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? मशीनी से तो ऐसा वो मोदी उनमें टच किया है कि कहीं भी बटन दबाओ मोदी के जाएगा। अच्छा, मोदी क्या किया, ये देश बेच रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो जो मशीन है, तमाम अधिकारी बैठे हैं, उसकी जांच होना चाहिए ना? उसकी जांच भय पे तो सब मोदी का है, पर चुनाव आयोग जो है इस बात की मंजूरी तो नहीं दे रहा है, चुनाव आयोग सीधा कह रहा है कि ईवीएम सही है। नहीं, जितना यहाँ से लेकर वहाँ तक सब मोदी की मनाई है। अच्छा, इसीलिए से तो जो मोदी कहेगा वही मनाई का कहेगे, इसीलिए से तो काम खराब होता, और हमारे सौभाग्य पसंद नहीं है। हाँ। मोदी के लिए हमको नहीं पसंद है। मायावती क्या कहें दादा, मायावती? हाँ मायावती, हमें मायावती चाहिए। मायावती चाहिए,
मायावती संतुष्ट है ना? हाँ हाँ संतुष्ट। तो इस बार मायावती की सरकार। भी आपको बता दूं ये तमाम दलित वर्ग के लोग हैं और हम करीबन 10 से 12 बस्तियों में सर्वे कर चुके हैं दलितों में जाकर। लगातार इनका एक नारा है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। अब देखना ये होगा कि आखिर इस बार किसकी सरकार सत्ता में कौन रहेगा। शायद मोदी जी इस बार झोला उठाएंगे, निकल पड़ेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा दलित वर्ग के लोग तमाम लोगों का कहना है। फिलहाल ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।